हमारा छोटा टीम आ गया है दूध लाने के लिए। कितना लिया झल्लू? कितना हाथ में दिखाओ तो? 50 रुपया। कितना का दूध लेके आएगा तुम? अरे उसको धो लो ना, बर्तन को बर्तन धो लो। ये हमारे घर का स्टाफ है दूध लाने वाला, डेली इसका रूटीन है यहाँ पे। ये कोचिंग पढ़ के आता है और दूध लाने के लिए जाता है। जल्दी आओ लेके दूध। हमारे घर का एक स्टाफ है ये दूध लाने वाला, डेली यहाँ पे पैसा रखा रहता है, यहाँ पे अपना आता है, पैसा लेके जाता है, दूध लेके पहुंचा देता है। अभी यहाँ मोबाइल चार्ज में लगा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि चूहा आधा सेब खा गया है। ये क्या कर रही है तुम? तेल को डब्बे में पैक कर रही है। अब भुजिया किसके लिए बनेगा? सबके लिए अलग अलग डिश बन रहा है यहाँ। हमको मिला है अभी आलू, मूली का सब्जी और यहाँ अभी फिर से भिंडी का भुजिया बनेगा। अभी फिर से हमको घुगनी दिया खाने के लिए सब, और ये भिंडी का भुजिया बना रहा बाद में। लगता है ये हमको दोपहर में नसीब होगा, ऐसा हमको लग रहा है। आइया, मम्मी यहाँ पे शरबत पी ली है। और एक बैग दिखाते हैं आपको, ये वाला बैग है, ये वाला। इस बैग को भी ना रिपेयरिंग कराना है। ये बैग का ये जो चैन है, ये वाला, यही खराब हो गया है, ये वाला चैन, इसको भी रिपेयरिंग कराना है। इस बैग को रिपेयरिंग कराना है, दो हो गया। और एक और बैग आपको दिखाते हैं, एक और ये बैग है, अभी कुछ दिन पहले खरीदे हैं। लेकिन इस बैग में हो क्या गया है, इस बैग में यहाँ से दिख रहे हैं, यहाँ से ये थोड़ा सा फट गया है, तो इसको भी बस सिलाई करवा देंगे। बस इतना सारा काम है बैग में बचा हुआ, बस यही तीनों बैग रिपेयरिंग करवा लेना है। और आज मस्त वाला धूप हुआ, एकदम मस्त सा कड़क धूप हुआ, एकदम मस्त कड़क धूप। 11 बजे हमको भी जाना है, 11 बजे उसको भी कॉलेज जाना है, उसको भी कॉलेज पहुंचाने जाना है। उसके बाद हमको उधर मार्केट भी जाना है, दवा भी लाना है जाके पापा का। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, फिर आते हैं, 10:40 तक आ जाएंगे डेरा से। अच्छा घुरमा है ना, ये घुरमा आया है अभी दादी के लिए। वही घुरमा लाए थे ना एक, वही खा रही है दादी। घुरमा लेके आए हैं, गाँव में ही एक आदमी बेच रहा था ना, वही पीछे बगल में ही एक आदमी बेच रहा था, तो वहीं से ला के दिए हैं दादी को। दादी को घुरमा बहुत पसंद है, इसलिए ला दिया है घुरमा। ठीक है कि नहीं, अभी देखते हैं घुरमा मीठा है कैसा है अभी। अच्छा बिच्चा छोटा छोटा ना, उसमें ये खीरा के जैसे बिच्चा होता है ना, खीरा के जैसे ना। ओहो ज़्यादा मीठा नहीं है अभी, बचा हुआ घुरमा। अब मिठाई का 5 दिन वाला रस जो बचा हुआ है, माँ बेटी दोनों खा रही है चुपचाप। हाँ 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 हाँ, खूब खो दोनों। एक आया फ्लिपकार्ट से कलम मंगाई है फ्लिपकार्ट से। कितना कलम है बुआ? 50 पीस आया कलम, शायद 300 कुछ रुपया में इसका कलम आया, 50 पीस इसमें। मस्त डिब्बा में आया है ना, पैक उक हो के मस्त सा डिजाइन से। कलम तो बहुत मस्त है मम्मी। ये कौन सा कलम है? हॉस्टर एक्सो इस तरह का 50 कलम का पूरा पैकेट है। फाइनली बैग रिपेयरिंग हो गया आज, और अब आगे सोने मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में सुबह में। मॉर्निंग डे 2। तो आज कल दे दिए थे बैग बनने के लिए, तो सब बैग आ गया है बन के। जितना भी रिपेयरिंग में बैग सब दिए थे, यहाँ पे है सब बैग। इसमें आपको दिखाते हैं सब बैग रिपेयर होके आ गया है। एक ये बैग था, देखिए अंदर से पकड़ करके इसको सिलाई कर दिया है ये, और इधर भी सिलाई कर दिया, तो ये भी ठीक हो गया। और एक बैग ये था, इसका चैन वो ये वाला खराब था, ये वाला चैन नहीं ठीक से लग रहा था, तो ये दोनों चैन लगा दिया। इसका सिलाई खुला हुआ था, इसका सिलाई कर दिया यहाँ पे, ये सिलाई इसका खुला हुआ था। देखिए ये वाला गायब था, ये वाला देखिए यहाँ पे ये सिलाई हुआ है, ये वाला का काम हो गया पूरा खत्म। खाना पीना रोज की तरह इधर भी बनना शुरू हो गया, सुबह सवेरे। बाहर सब ट्यूशन पढ़ा रही है, बहुत तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए। 2 एग्जाम बचा हुआ था, वो एग्जाम आज है, 5 उसका आज एग्जाम है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक उसका आज एग्जाम।
फाइनली तैयार हो गए, ले जा रहे हैं इसको एग्जाम दिलाने के लिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 3। शाम में उसको एग्जाम दिलवा के आए और शाम में हो गया लेट। कल गया मार्केट, मार्केट से फिर सब सामान सब लेके आए। आटा दिए हुए थे मिल पे, तो आटा लेके आए। उसका बिस्कुट लाना था, सोनम का बिस्कुट ले आए। और फिर रात में कल मैच था भारत और दक्षिण अफ्रीका, तो वही मैच देखे रात में और आराम से सो गए। तो कल जब चले गए एग्जाम दिला ले, तो दिन में कल पार्सल आया कुछ कुछ, और बोला जूता कल आया है एक पापा का और एक मेरा शर्ट आया है। बोला जूता आया है कल पापा का, दिखाते हैं आपको। यही वाला जूता आया है, बहुत दिन से पापा खोज रहे थे ये वुडलैंड वाला जूता, सस्ता हो ही नहीं रहा था। इस बार फ्लिपकार्ट पे सेल लगा ऑनलाइन, उसी सेल में इसको सस्ते में खरीदा। एक शर्ट भी आया है, पता नहीं शर्ट किधर रखा गया है, मिल ही नहीं रहा है शर्ट। शर्ट कहाँ रखा है मम्मी? शर्ट बक्सा में रखा गया था, उसको पैक कर दिया गया बक्से में, मम्मी रख दी थी इसको। अब देखते, ये वाला शर्ट आया कल, ये हाफ शर्ट अपने लिए मंगाया है। इस कलर का एक भी शर्ट नहीं था हमारे पास, तो इसको हाफ शर्ट, एक तो सेल था तो सेल में सस्ता में दे रहा था, तो ये सस्ता में सेल था तो मंगाया है। हम देखते हैं, मस्त शर्ट है एकदम, मस्त वाला। ज्यादा बड़ा बड़ा प्रिंट नहीं है, छोटा छोटा प्रिंट है। एक कौन रंग है मम्मी? गेरुआ कलर का, गेरुआ रंग जो होता है ना उसी कलर का है। देखिए गेरुआ कलर इसमें है, बहुत मस्त हमको तो लग रहा है शर्ट, एकदम अच्छा कंफर्टेबल शर्ट, एकदम सूती टाइप का कपड़ा लग रहा है, एकदम सूती कपड़ा है, अच्छा शर्ट है। तो यही दो कल पार्सल आया है, बैग रिपेयरिंग हो गया है और आज कुछ कुछ काम, आज ब्लॉक भी जाना है, आज कुछ काम करवाना है ब्लॉक में, उसके बाद फिर जाना है बहन को पहुंचाने के कॉलेज, और सब कुछ कुछ काम है घर का, सब काम कर लेते हैं। 3 दिन से कंटिन्यू ब्लॉक शूट कर रहा है और सोच रहा है कि अब आज ब्लॉक खत्म करेंगे। आज 3 दिनों का टोटल, तीनों दिन का एक साथ ब्लॉग आएगा, तो इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में।